नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्वाद अपना अपना में। दोस्तों आला रे आला, आपके लिए लच्छा पराठा मसाला। सबसे पहले पराठे के लिए हम मसाला तैयार करते हैं, तो मसाले में मैंने 2 छोटा चम्मच लिया है भुना हुआ जीरा पाउडर और 1 छोटा चम्मच काला नमक और 1 पाउच मैगी मसाला पाउडर। और उसमें थोड़ी सी अजवाइन को मैं मिला लूँगा। दोस्तों अजवाइन को रब करने से स्वाद अच्छा आता है, और इन सब को आपस में अच्छे से मिक्स कर ले। दोस्तों मसाला हमारा रेडी हो गया है, और साथ ही में मैंने ये आटे को लगाकर उसका डो बना लिया है पराठे बनाने के लिए। तो ये लो दोस्तों, पराठा बनाना हमने कर दिया स्टार्ट। दोस्तों पराठे पे मसाला लगाने से पहले हमने देसी घी का यूज़ किया है। घी को थोड़ा सा मेल्ट करके आप अच्छे से पराठे पे चारों तरफ लगा लें। उसके बाद जो हमने मसाला तैयार किया था उसको अपने हाथों से पराठे के चारों तरफ धीरे धीरे से फैला दें। जितना मसाला आप उस पर लगाओगे दोस्तों स्वाद उतना ही ज़्यादा अच्छा आएगा। ओके दोस्तों, अब करना क्या है आपको, जैसे आपने मसाला फैला लिया है, एक चाकू लेना है और चाकू से पराठे के इस तरीके से स्लाइस बना लेने हैं। कोशिश करना दोस्तों स्लाइस बराबर साइज में हो। हो सकता है शुरू में आपको थोड़ी दिक्कत आए, लेकिन 1 पराठा 2 पराठा बनाने के बाद आप इसको अच्छे से और आसानी से कर लोगे। जैसे स्लाइस लग जाए फिर एक एक स्लाइस को उठाकर उसके एक के ऊपर एक रखकर इस तरीके से आप आखिर में ऐसे दोबारे से एक गोला बना लें। तो ठीक है दोस्तों, इस पे थोड़ा आटा लगा के अब फिर से आपको ऐसे ही रोटी की तरह इसको बेलना है। तो अब हमने इसको तवे पे चढ़ा दिया है, थोड़ी देर में पराठे को साइड से पलट देंगे और उस पर घी लगाना है। दोस्तों आप इसमें कोई रिफाइंड या ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, मेरे को घी के पराठे ज़्यादा पसंद है तो मैं घी लगाता हूँ। दोनों तरफ से अच्छे से पलट कर इस पर घी लगा लीजिए। पराठे को दोस्तों जितना धीमी गैस पे आप सेकोगे पराठा उतना ही अच्छा सिकेगा। तो लो दोस्तों ये पराठा रेडी हो गया है, आप देख सकते हो इसमें एक एक आपको लेयर मिल जाएगी लच्छे पराठे की, जिसे हम लच्छा कहते हैं, और खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी होगा जितना कि दिखने में आपको लग रहा है। तो दोस्तों ये था लच्छा पराठा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लाइक कीजिए इस वीडियो को, साथ ही में शेयर कीजिए। धन्यवाद।